कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की इत्र और ऐतिहासिक नगरी कन्नौज में एक संयुक्त चुनावी रैली की। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की हार में केवल चार चरण चार कदम बाकी हैं, इस चुनाव में भाजपा का पूरा बैलेंस खराब कर दो। राहुल ने कहा, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता शेर हैं, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल चार कदम बाकी हैं, केवल चार चरण, चार कदम चार चरण बाकी हैं केवल। और ये चार चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत, ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में हैं। अखिलेश और राहुल ने कन्नौज के बाद कानपुर में भी रैली की। यहां से कांग्रेस के आलोक मिश्र चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला भाजपा के रमेश अवस्थी से है। राहुल ने कहा, मीडिया का रिमोट पीएम मोदी के हाथों में है, लेकिन उनकी मजबूरी है, इन्हें सैलरी लेनी होती है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड जीत हासिल कर इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने कभी अडाणी और अंबानी का नाम नहीं लिया, अब जब पीएम मोदी मुसीबत में है तो उनका नाम लेना शुरू कर दिया। भैया हमें बचाओ, मोदी और शाह चुनाव के वक्त आप सबका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, लेकिन आपको संविधान बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ वोट करना होगा। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का टेम्पो वाला। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने 200 गाड़ियों को रोका है, जितनी रोकनी है रोक लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। रैली में अखिलेश ने कहा कि मेरे पहले चुनाव के समय इसी मैदान में जनसभा हुई थी, उस जनसभा में मैंने जनता से कुछ नहीं मांगा था, तब जनता ने भारी वोट देकर जिता दिया था। तब नेताजी मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं अखिलेश को लेकर आया हूं, इसे नेता बना देना। चुनाव जीतने के बाद से आज तक अपने राजनीतिक सफर में चाहे मैं चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, लेकिन मैंने कन्नौज कभी नहीं छोड़ा। कन्नौज में बड़े बड़े काम जो नज़र आते हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में कराए गए। जो लोग खुद को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और दूसरा खटारा इंजन होर्डिंग में दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली, मोहब्बत की यात्रा निकाली, आज वही राहुल गांधी हमारे लिए आपसे वोटों की अपील करने कन्नौज आए हैं। कन्नौज लोकसभा सीट सपा का किला रही है। साल 1999 में मुलायम सिंह ने चुनाव लड़ा था, साल 2019 तक यह सीट सपा के पास ही रही। इस सीट से मुलायम सिंह के इस्तीफा देने के बाद अखिलेश ने 2000 का उपचुनाव, 2004 और
2019 लोकसभा चुनाव जीता। 2019 में हुए उपचुनाव में यहां से डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा और संसद पहुंची। 2014 में मोदी लहर में भी डिंपल यादव ने यहां से चुनाव जीता, लेकिन साल 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक से डिंपल यादव 12,000 वोट से चुनाव हार गईं। मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कन्नौज।